सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले भारतीय क्रांतिकारी जिसने ब्रिटिश सरकार के उड़ा दिए थे होश। मुजफ्फरपुर में फूका था स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल। 19 साल में शहीद हुए क्रांतिकारी खुदीराम बोस का बलिदान दिवस आज। देश के सबसे युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर केंद्रीय मुजफ्फरपुर जेल रंगीन रोशनी से नहार गयी। यहाँ जेल में अधिकारी और गणमान्य लोगों ने फांसी स्थल पर पहुंचकर माल्य अर्पण किया और उन्हें नम आंखों से याद किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से मुजफ्फरपुर पहुंचा शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस का परिवार भी मौजूद रहा। 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल में जन्मे बलिदानी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया था। बोस मात्र 17 साल में बम फेंक कर क्रांतिकारी बन गए थे। आपको बता दें कि खुदीराम बोस एक ऐसा नाम था जिसने देश की आजादी के लिए हंसते हुए अपने प्राण को फांसी पर झूलकर बलिदान दे दिया था। देश के लिए इस महान शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम का रुख बदल कर रख दिया था। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को महज 19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजी सरकार खुदीराम की निडरता और वीरता से इतना डरी हुई थी कि उसने इन्हें इतनी कम उम्र में ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। अपनी वीरता के लिए पहचाने जाने वाले खुदीराम बोस अपने हाथ में भगवद गीता को लेकर खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। बताया जाता है कि खुदीराम बोस 9वीं कक्षा में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे और 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। खुदीराम की निडरता और आजादी के लिए उनके जज्बे को देखते हुए 28 फरवरी 1906 को सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वे अंग्रेजों को चकमा देकर जेल से भाग निकले थे। हालांकि सिर्फ 2 महीने बाद उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया और फिर उनको सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। दरअसल बंगाल विभाजन से दुखी खुदीराम बोस ने अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने का प्रण लिया था। इस दौरान कई देशभक्तों को कड़ी सजा देने वाले किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने के लिए खुदीराम बोस ने अपने एक साथी प्रफुल्ल चंद जाकी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया था, लेकिन गाड़ी में सेशन जज की जगह उसकी परिचित 2 यूरोपीय महिलाएं एम कैनेडी और उसकी बेटी सवार थी। उस हमले में वे दोनों महिलाएं मारी गई थी, जिसका खुदीराम और प्रफुल्ल चंद जाकी को काफी अफसोस हुआ था। हालांकि इस बम हमले में ब्रिटिश हुकूमत का किंग्सफोर्ड बच गया था। इस हमले के बाद खुदीराम अंग्रेजों के निशाने पर आ गए और अंग्रेज पुलिस पूरी तरह से उनके पीछे लग गई। उसके बाद एक बार अंग्रेजों ने वैनी स्टेशन पर खुदीराम और प्रफुल्ल चंद को घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल चंद ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम पकड़े गए। इसके बाद उनको मुजफ्फरपुर जेल ले जाया गया, जहां 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। सेंट्रल जेल के रिकॉर्ड के अनुसार फांसी से पहले खुदीराम बोस ने एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी हासी हासी पड़वो फांसी देखवे जो गोत बासी गीत गाया था। उनके इस गीत को सुनकर बंदियों को आभास हो गया कि खुदीराम बोस को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। इसके बाद सारे बंदी वंदे मातरम का नारा लगाने लगे थे। जेल में शहीद खुदीराम बोस को जिस जेल बंद किया गया था, वहां से फांसी स्थल करीब 200 मीटर की दूरी पर है। बीच में बंदियों के बैरक है। 3:50 पर फांसी स्थल पर शहीद खुदीराम बोस को सलामी पेश करने के बाद सारे लोग उनके सेल पर पहुंच गए। चर्चा है आज भी इस सेल में शहीद खुदीराम बोस की आत्मा वास करती है, इसलिए सेल में जाने से पहले ही सभी ने अपना जूता चप्पल बाहर ही उतारा। इसके बाद एक एक कर सेल में गए लोगों ने फूल माला अर्पित किया। इस मौके पर डीएम सुरबत सेन ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को शहीद खुदीराम बोस से प्रेरणा लेनी होगी। 18 साल से भी कम उम्र में उन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। ऐसे सैकड़ों बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी तब हमारा देश आजाद हुआ है। हमें भी देश के निर्माण संप्रभुता और अखंडता के लिए इनसे सीख लेनी होगी। करीब 4:30 सभी आगंतुकों के हाथ पर लगे मुहर की जांच करने के बाद जेल से बाहर निकाला गया। जेल के बाहरी परिसर में शहीद खुदीराम बोस के प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर लोग वापस लौटे। बाकी खुदीराम बोस के इस बलिदान दिवस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।